लेट मी गिव यू द फीडबैक। तो फर्स्ट कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, आपका जो इंट्रो पार्ट था वो बहुत अच्छा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। ओके, जस्ट दैट मैम, कि डोंट डू दिस यू नो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन। फर्स्ट व्हाट यू कैन डू, जस्ट टेक अ नोट राइट एंड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू वॉन्ट टू पुट इन योर इंट्रो पार्ट राइट। ऑल दोज थिंग्स विच कैन एड टू योर प्रोफाइल राइट, लाइक योर अचीवमेंट। Talking about your achievements, just you know, include one or two points. Two points is more than enough, right? When you're talking about your hobby, just include two points. When you're talking about your past experiences, you can include two to three points. Okay. Now coming to your aspirations, what do you want to be in future? That also try to compress within two or three points. That is going to be more than enough. Okay, so just note down out. See, achievements, you may have so many achievements, right? So you can include those achievements which will provide a like wo jo BDA ki profile se match karti hu. Yes ma'am. Theek hai, maine to ek hi achievement bataya hai, उसी को थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट कर दिया है। पहले ये बता सकते हो कि मैंने अपने पास्ट में ये सारी चीजें अचीव करी हैं और ये बीडीए की प्रोफाइल से उसको लिंक करो। ट्राई टू अलाइन योर अचीवमेंट्स विद द प्रोफाइल ऑफ बीडीए। जैसे मैम इसको कैसे कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि मैंने एक एनजीओ में वर्क किया है जिसमें मुझे अवार्डेड भी किया गया, इसको कैसे मैं कर सकता हूँ? तो द एनजीओ किससे रिलेटेड था? स्लम वो एजुकेशनल एनजीओ है, वहाँ पे यस मैम वो एजुकेशनल एनजीओ है जहाँ पे मैं वर्क किया था, वहाँ पे जो स्लम एरिया के स्टूडेंट्स हैं ना मैम, उन लोगों को मैंने एजुकेट। यू कैन से दैट आई हैव वर्कड इन एन एजुकेशन रिलेटेड एनजीओ। ओके, तो ये बोल सकते हो कि आई हैव वर्कड इन एन एजुकेशन रिलेटेड एनजीओ वेयर आई वाज अवार्डेड फॉर माय अचीवमेंट्स, ऐसे करके बोल सकते हो। उसके अलावा इसको थोड़ा कॉम्प्रेस करें। उसके बाद जो जितने भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे वहां पे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आपको बायजूस कंपनी के बारे में भी लगभग सारी चीजें पता है। कहाँ पे आप काम कर सकते हैं वो एरियाज है द बेटर कम्युनिकेशन स्किल एंड द बॉडी लैंग्वेज। ओके क्लियर। और जो एंड नाउ कमिंग टू द एकेडमिक्स क्वेश्चन, आपने सारे ही क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर किया, सारे ही आंसर्स आपके सही थे, ठीक है। दूसरा ये चीज है कि जब आपसे जब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बायजूस प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, तो वहां पे बेहतर ये होगा कि आप एक सेल्स पर्सन की तरह एक्ट करें। ऐसे थ्योरेटिकली मत एक्सप्लेन करिए कि मैं ऐसे करूं एक्सप्लेन या वैसे करूं, नहीं। आप वहां पे इंटरव्यूअर से, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैम मुझे क्या सेल्स पर्सन बनना है या फिर मुझे एक्सप्लेन करना है, इंटरव्यूअर से आप पूछेंगे तो इंटरव्यूअर इज नॉट गोइंग टू गिव यू द आइडिया। ओके, दिस इज यू हु विल डिसाइड हाउ यू विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो बेहतर होगा कि उन क्वेश्चंस को सेल्स पर्सन की तरह एक सिनेरियो क्रिएट करिए, ठीक है। और इंटरव्यूअर को आप अपना कस्टमर समझ सकते हैं, उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब मैं क्वेश्चंस बोल रही थी तो आपको एक बार में सुनाई नहीं दे रहा था, क्या वो ऑडियो की प्रॉब्लम थी? मेरी ऑडियो नहीं आ रही थी प्रॉपर। हाँ वो थोड़ा ऑडियो का भी था कि बीच बीच में पूरा प्रॉपर सुन नहीं पा रहा था, जिसका समझ नहीं पा रहा था मैं उसको। ठीक है, तो जब आप रियल इंटरव्यू में जाएंगे तो अपना नेटवर्क को प्रॉपरली चेक करिए, ताकि जो इंटरव्यू बोल रहा हो वो आपको एक बार में कोशिश करिए कि समझ में आ जाए। आप उससे दोबारा भी पूछ सकते हो, बट हर क्वेश्चन में दोबारा दोबारा पूछोगे तो वो ऐसा लगेगा कि आप अटेंटिव नहीं है, आप ध्यान से सुन नहीं रहे चीजों को। ओके, यस, सो ट्राई टू बी मोर अटेंटिव, ठीक है, और अपने नेटवर्क एंड ऑडियो पे रियल इंटरव्यू के दिन अच्छे से ध्यान दे। और हाँ, जो सेल्स वाले क्वेश्चन है वहां पे आप थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हैं।
क्या थी मैम? जो सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे और जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, वहां पे आप अपने अपना जो एक्सप्लेनेशन था, आपका जो रिस्पॉन्सेस था, उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है? उसमें कुछ कुछ चीजें और इंक्लूड कर सकते हैं. और आपका जो एटीट्यूड है ना, वो कन्विंसिंग एटीट्यूड होना चाहिए, राइट? दो आपने सारे आंसर सही दिए, आपने बहुत अच्छे से एक्ट किया, बट वहां पे आप और इम्प्रूव कर सकते हो थोड़ा अपने अंदर की जो कन्विंसिंग स्किल है, लाइक जो कन्विंसिंग स्किल है ना, कि आप कस्टमर को कन्विंस करते हो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, उस पर आप काम कर सकते हो. और द क्वेश्चन जो था कि हाउ विल यू सेल अ बायजूस प्रोडक्ट, राइट? द बायजूस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, बायजूस से प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो किसी भी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उस प्रोडक्ट के जो स्पेशल फीचर्स हैं और जो एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं उनके बारे में बताएं. जैसे आपको पता है बायजूस के प्रोडक्ट्स के क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, जो सिर्फ बायजूस ही प्रोवाइड करता है, कोई और कंपनी नहीं. लाइक टू टीचर एडवांटेज है, आप पर्सनलाइजेशन है, और नॉलेज ग्राफ हो गया, नॉलेज ग्राफ, एडैप्टिव लर्निंग हो गया. यस, तो ये सारी चीजों को जब आप किसी को भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनको जब उसके फीचर्स बताएंगे, उसमें क्या स्पेशल है जो किसी और कंपनी नहीं दे रही है, क्या एक्सक्लूसिवनेस है उसमें, वो सारी चीजें बताएंगे, तब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए एक मन बनाएगा, वो अट्रैक्ट होगा आपके प्रोडक्ट से, ठीक है? ओके विवेक, नाउ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैम, जैसे आपने बताया कि वो कन्विंसिंग स्किल्स है, उससे काम करना है, तो मैं किस तरह से उससे कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आप उसी जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी को आप ये कर सकते बताएं. देखो, जैसे कि जो क्वेश्चन था कि कोई भी मैं मेरे मुझे आप कैसे बायजूस प्रोडक्ट सेल करेंगे, जब मेरा बच्चा ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी में लगभग सेम प्रोडक्ट के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ग्रीट करना है, ठीक है? कस्टमर को उसका हालचाल पूछें, जो कि आपने किया, वेरी नाइस. दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करें कि बायजूस का अगेन क्या क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स है, तो सिर्फ और सिर्फ बायजूस देता है और कोई और अदर कंपनी नहीं देती, उस पर आपको कस्टमर का जो ध्यान है वो वहां पे लेके जाना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी उनके पास है, आप क्या फीचर्स है, ठीक है? बहुत ही पोलाइटली आप बोल सकते हैं कि क्या मैं, अच्छी बात है कि आपका बेटा किसी और प्रोडक्ट के साथ ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, बेशक वो प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं? पर एज अ सेल्स पर्सन, आपको पहले से भी मार्केट में सेम तरीके के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट? तभी तो आप एक बेटर कॉम्पिटिटर बन पाओगे, जब आपको आपके कॉम्पिटिटर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है? Yes, तो वो तो बात की बात है, तो आप उसको पोलाइटली पूछ सकते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और आपका जो प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उसके बाद आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो उन प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, या उनमें कौन कौन सी कमी है जो आपका प्रोडक्ट पूरा करेगा, जो उसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो एक्सक्लूसिव है, जो सिर्फ बायजूस में है और किसी और में नहीं, ठीक है? Okay. आप उसको वो बताएंगे कंपैरिजन करके. उसके बाद क्या आप बता सकते हैं कि बायजूस में एक एडवांटेज दिया जाता है पेरेंट्स को, कि वो बायजूस का प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसके बाद एक ड्यूरेशन दिया जाता है, अगर उस ड्यूरेशन में उनको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो दे कैन रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन द गिवन टाइम लिमिट. सो यू कैन कन्विंस कि आप अभी प्रोडक्ट लीजिए, दोनों को कंपेयर करिए, वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे बायजूस में आपको क्या दिया जा रहा है. अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते होते हो तो हमारा ये फीचर्स है, रिटर्न पॉलिसी भी हमारी है, आप रिटर्न कर सकते हो और आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे. इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो, ठीक है? यस, एनीथिंग एल्स? नहीं, ओके. Okay. मैं इसे वर्क करूंगा. यू आर वेरी गुड, बट मैं ठीक है? यस यस,
your confidence level is also very good. Just one thing ki you should always have a smile jo aapke face mein thi, but wo zyada bhi nahi honi chahiye. Don't laugh, just keep a smile on your face. जब कस्टमर आपसे कुछ बोल रहे हैं तो आप स्माइल करें. अगर आप हंसेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मे बी यू आर मेकिंग फन ऑफ द कस्टमर, राइट? सो वो ऑफेंड भी हो सकता है. तो जस्ट कीप अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस, इट शुड नॉट लुक टू मच. ओके मैम. एंड बट मैम वही बस कन्विंसिंग. नाउ आल्सो यू आर नॉट सिटिंग स्ट्रेट, यू आर मूविंग जहां पे जरूरत हो अगेन, बट एक प्रॉपर पॉस्चर में बैठना, ठीक है, स्ट्रेट पॉस्चर में बैठना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड लुक प्रोफेशनल, बी इट योर अपीयरेंस, बी इट योर बॉडी पॉस्चर, राइट, be it energy on your face, you should look professional. Okay. And everything should be in balance. Okay, yeah. ma'am. मैं ये try करूँगा अभी. Okay. हाँ हाँ, ये आपका real interview कब है? उसका भी नहीं अभी पता है. मैंने apply किया, अभी call आया नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब अभी कुछ टाइम है आपके पास, तो इन सारे एरियाज पे आप वर्क कर सकते हो. ओके मैम. और जैसे कि अदर जो सिनेरियो बेस्ड पोजीशन था, तो उसमें जैसे मैंने जो एक्सप्लेन किया, तो उसमें और कैसे ये कर सकते थे उसको, और कैसे कन्विंसिंग उसको बना सकते थे जिससे वो कन्विंस हो जाए. ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, पहले थोड़ा जो प्रोडक्ट के बारे में और पढ़िए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, ठीक है. कस्टमर से ये जानने की कोशिश करिए कि पहले उनका बच्चा कहाँ पे जाता है. वो ट्रेडिशनल कोचिंग में अगर फॉर एग्जांपल पढ़ रहा है, तो उनको बताइए कि ट्रेडिशनल वे में और एक टेक्निकल वे में पढ़ाई करने में क्या डिफरेंस है टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है. अगर वो किसी अदर कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है जो टेक्नोलॉजी के साथ ही उसको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो फिर आप उनको बताइए आपकी जो कंपनी टेक्नोलॉजी यूज करती है वो कैसे बेटर है. ओके, अगेन अगर वो किसी IITian या किसी वेल क्वालिफाइड टीचर्स के पास जाता है, तो उनमें और बायजूस के जो ट्यूटर्स हैं वो कैसे उनसे बेहतर हो सकते हैं. उसके लिए आप जबरदस्ती नहीं बोलेंगे नहीं हमारे ट्यूटर्स बेहतर हैं, नो. आप ये बोल सकते हैं कि बेशक वो किसी IITian के पास जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो किसी टेक्निकल फील्ड में क्वालिफाई है तो वो एक अच्छा टीचर भी हो सकता है. उसके अंदर वो पेडागॉजी की स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है. टीचर्स के लिए, एक टीचर बनने के लिए, एक बेहतर टीचर बनने के लिए एक अलग क्वालिटीज होती हैं, और बायजूस में जो ट्यूटर्स हैं उनको इस उनके सिर्फ कॉन्टेंट के बेसिस में नहीं सेलेक्ट किया जाता, बल्कि उनके टीचिंग स्टाइल्स एंड एक पेडागॉजिकल स्किल के बेसिस में उनका सिलेक्शन किया जाता है. दे आर एक्सपर्ट ऑफ टीचिंग, दे आर एक्सपर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉन्टेंट टू द स्टूडेंट. ओके, नाउ यू कैन से इफ द पर्सन इज IITian, तो डेफिनेटली वो सिर्फ कोचिंग नहीं देता होगा, वो किसी और कंपनी में काम भी कर रहा होगा, राइट? तो वो आपके आपके बच्चे पे उतना फोकस शायद ना कर पाए कि उसका टीचिंग के साथ साथ और भी काम है, ठीक है. तो आप ये सारी चीजें बोल सकते हो. ओके मैम. यस. ओके विवेक, सो एनीथिंग एल्स? नो. ओके मैम, मैं इस पे वर्क करूंगा जो आपने बताया है. यस, ऑफ कोर्स यू शुड. एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम. सिर्फ कुछ चीजें उनमें वर्क कर लीजिए. आपके जो भी आंसर्स थे वो काफी हद तक सही थे, ठीक है. थोड़ी थोड़ी से एरियाज है जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, रेस्ट एवरीथिंग वाज बस एक प्रॉपर मैनर में उसको बोलना है ना मैम. बस जो भी मैं बता रहा था उसको एक प्रॉपर मैनर में बोल, प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट करना आना चाहिए. यू शुड वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल. ओके मैम. एंड रेस्ट एवरीथिंग वाज गुड. ओके. ओके. और ये जैसे कि बीच बीच में अगर किसी जो बोलते हैं तो होता है ना कि जैसे उसमें
बीच में रुक भी जाते हैं तो वो चलेगा यार, उसका कैसे कर सकते हैं, हाँ, जैसे कुछ रुकने बोल का रहे हैं मतलब फ्लू कैन से। लगातार एक ही स्पीड में तो बोलेंगे नहीं, राइट? सो आप पॉज तो बीच बीच में लेंगे, बट ऐसे लंबा पॉज नहीं लीजिए कि वो क्लूलेस लगे कि आपको पता ही नहीं अब आगे बोलना क्या है, क्लूलेस हो गए हैं आप, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। कोशिश करें जितना हद तक कि ऐसा नहीं हो कि आप ब्लैंक नहीं हो जाए, ठीक है? ये प्रैक्टिस से डेफिनेटली आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ये अपने आप ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी।